चलो ना आइसक्रीम मंगवाओ। हाँ मंगवाओ, बुलाओ वेटर को। जिन हालात में तुम्हें ये पहनाई है ना, तुम्हारी जगह अगर कोई और लड़की होती ना तो गुरूर से ना आसमान पर चिरागा कर देती। और एक तुम हो, ट्रीट पे मुंह बनाए बैठी हो। आसमान तक रसाई नहीं है मेरी, मैं दुनिया को दिखाने के लिए मैं ये भी कर जाती। वैसे तो सब ठीक हो रहा है ना, तुम्हें क्या परेशानी है सितारा? वो जुहेब के सामने ये भी तो कह सकता था ना कि सब झूठ बोल रहे हैं, सितारा ने कुछ भी नहीं किया। उसका खुद पर इल्जाम ले लेना भी उसका खुलूस ही है ना। लेकिन उसके खुलूस, जुहेब का मुझ पर से यकीन डगमगा दिया ऐसे ना। अब मैं जुहेब के बारे में तुमसे कुछ नहीं कहना चाहती, वरना तुम जुहेब से पूछने के बजाय मुझसे नाराज हो जाओगी। सना, जुहेब मेरा भाई है, उस पर यकीन करने के लिए मुझे उससे कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। ये शताब कॉल जुहेब तुमसे बगैर पूछे भी दे सकता था ना, लेकिन फिर भी उसने तुमसे सवाल किया। हाँ तो कासिम ने भी क्या किया, उसने खुद पर इल्जाम लेके मुझे सबके सामने पक्का मुजरिम ठहरा दिया। उसने किसी और की गलती अपने सर लिए पागल, वो चाहता तो। खैर, यहाँ तो लोग अपना किया दूसरों पे डाल देते हैं। खैर जो, सना चलो यहाँ से। कहाँ क्यों बैठो ना, ना, चलो अभी हमने क्या किया है जो हम यहाँ से जाए? मैं बता दो ना, बता दो क्या क्या किया तुमने। सना चलो यहाँ से और इनसे कहो कि रास्ता छोड़ दे। क्या हो गया भाई, किस बात की टेंटरम दिखा रही हो तुम मुझे। इनसे कह दो कि रास्ता छोड़ दे, मुझे इनसे ये बात। इनसे उनसे क्या होता है, डायरेक्ट मुझे देखकर बात करो। समझते क्या है खुद को आप? हाँ अमीर हैं तो जब दिल चाहेगा जिसको दिल चाहेगा उल्लू बनाएंगे, बेइज्जत करेंगे, जलील करेंगे। नहीं करनी आपसे बात। तो मैं कौन सा मर रहा हूँ तुमसे बात करने के लिए। वो तो उस दिन तुमसे कुछ बातें क्लियर करनी थी तो। हमें सवाल जवाब करने वाला कोई ताल्लुक नहीं है और ना ही मेरी इतनी हैसियत है कि आपसे कोई जवाब मांगे। लेकिन मेरी एक बात का जवाब देंगे? हाँ कहो क्या है। आप बहुत बड़े आदमी होंगे, दूसरी दुनिया के हैं ना? लेकिन दुनिया भले ही दूसरी, खुदा सबका एक होता है। तो मुझे डरा रही हो, आप खुदा से डरते भी हैं? मेरे ईमान पर शक कर रही हो तुम। आप जैसे लोगों ने हमारा इंसानियत पे से ईमान उठा दिया और हम आप पे शक भी ना करें। अगर तुम में थोड़ी सी भी इंसानियत होती ना तो मैं खुद तुम्हारा साथ देता। इसका साथ देने के लिए कासिम काफी है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। कासिम वो साथ दे। कासिम मेरा मंगेतर। चलो सना, मेरी बात सुने, क्या हो गया है, खामोश क्यों है, कुछ तो बोले, ऐसा क्या हो गया है। तुम कासिम आखिर तुम चाहते क्या हो? तुम्हें सितारा से शादी करनी तो है ना? हाँ करनी है, लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं? एक तरफ तुम उससे शादी करना चाहते हो, उसे अपनी इज्जत बनाना है, तो फिर खानदान वालों के सामने क्यों गंदा कर रहे हो उसे? क्या मैं गंदा कर रहा हूँ अम्मी? मैं उसे उस गंदगी से निकाल रहा हूँ। तो निम्मी की हकीकत क्यों नहीं बताने दी तुमने? ताई अम्मी को सच्चाई बताने से क्या होता, वो जाती और जाके अपने भाई को बता देती। अरे तो अच्छा है ना, उन्हें सच पता चलेगा तो बच्ची की जिंदगी आसान हो जाएगी उस घर में। क्या हो गया अम्मी, उसकी जिंदगी आसान हो ना हो लेकिन मेरा रिश्ता जरूर मुश्किल में पड़ जाएगा। क्या मतलब? याद है ना उसके ताए अबू बिल्कुल भी राजी नहीं थे। मैं अल्लाह अल्लाह करके ऊंट पहाड़ के नीचे बैठा है, प्लीज सब्र कीजिए। तो इसका मतलब है कि तुम अपनी मोहब्बत हासिल करने के लिए उसे बदनामी में घिरा रहने दोगे?
नहीं अम्मी, अम्मी बस एक बार सितारा को मेरा होने दो, मैं सबको बता दूंगा कि सितारा बहुत मासूम है। अब तो जानती है ना कि सारा कुछ निम्मी का किया धरा था, उसी ने सितारा के मोबाइल से मैसेज करके सितारा को बदनाम किया है। और कितना टहलने का इरादा है भाई? आप पूछती क्यों नहीं मामू से, कैसे चुपचाप मंगनी करती उन्होंने? मुझे क्या जरूरत है पूछने की, जब उन लोगों ने खुद नहीं बताया तो अब अपने सर पे ले लूं जो है इसकी जिम्मेदारी। अच्छा तो आप ऐसी इत्मीनान से बैठी रहेंगी, उसकी तो ख्वाहिश पूरी हो गई ना? कौन सी ख्वाहिश पूरी हो गई उसकी? वो तो सालार को पसंद करती थी ना। जो भी है ख्वाहिश ना सही, लेकिन कासम उसे इतनी मोहब्बत करता है, उसकी तो जिंदगी सवर गई ना। हाला भी के साथ कैसे जिंदगी सवरती मैं अच्छी तरह जानती हूँ। जो भी है उसकी जिंदगी तो अच्छी रही ना। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उसके साथ मेरे से अच्छा हो रहा है। कासम को पाने के लिए ना मेहनत की है उसने बीबी, मैसेजेस कर करके बुलाती थी वो, तुम भी जरा मेहनत कर लिया करो। मैं आप जितना तो अमीर नहीं हूं सलार साहब, लेकिन फिर भी लेफ्ट ओवर नहीं पहनता। नहीं नहीं कासिम उसे मंगनी नहीं कर सकता। उसने वाकई उससे एंगेजमेंट कर ली? जोहे तुम तो बात को समझने की कोशिश करो, तुम मेरे एक ही भाई हो, तुम्हारे अलावा दुनिया में कोई भी नहीं है मेरा। क्यों कासिम भाई नहीं है तुम्हारे? ऐसी बात नहीं है जोहे, प्लीज मेरी बात को समझो, मेरी बात सुनो। देखो तुम मेरी बात सुनो, अगर कोई पसंद आ ही गया था तो घर में बता देती, मुझे बता देती, ये ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? सुहेब ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम ताई से पूछ लो। ताई आप बताए ना। तो ताई से क्या पूछ लो है? लड़का खुद अपने मुंह से कबूल करके गया है जो भी उसको कुछ कहना था, और हम तो भाई लड़की का घर है इज्जत ही समेट रहे हैं और क्या। ऐसे अब पता चला क्यों जल्दबाजी कर रहे थे, कुछ होश नहीं छू जाती तो। मैं जा रहा हूँ। जुहेब मुझे जाने के लिए कह दो, मैं चली जाती हूँ। मैं तुम्हारा इस घर से जाने का ही इंतजार कर रहा हूँ। जुहेब तो मेरे सगे भाई हो। मेरी एक और भी बहन है जिसको हमारी इज्जत की परवाह तो है कम से कम। मैं कहा था आप सब संभाल लेंगी, समझाएंगी उसे। तब अगर तुम मेरी मर्जी से शादी करती तो
ये आपकी मर्जी से ही तो हो रही, मेरी मर्जी कहाँ है इसमें? क्या पता हो, पहले भी तो बुला लिया था ना, याद नहीं? एक तो अचानक से सलार चला गया, अब फोन भी नहीं उठा रहा। जुनेद से पूछ लो, इसको पता होगा। पता नहीं डैड, मुझे नहीं मालूम। सब आप मेरे साथ आइए, मुझे आपको कुछ देना है, आइए। घर पर नहीं है। अच्छा, फोन कर लो, पूछ लो कब तक आएगा। क्या जरूरत है? मुझे लगता है डैड के हमें सिर्फ अपनी परवाह करनी चाहिए। पहला वजह अपनी फैमिली की जिम्मेदारियों को बढ़ाकर क्यों थकाएं खुद को। एक छोटे से फोन कॉल से कौन थकता है बेटा? थकन रवैयों से होती है डैड। जब इंसान किसी को अपना समझ के उसकी केयर करता है ना, और लोग उसके खुलूस पे उंगली उठाएं, तो थकन तो हो ही जाती है डैड। तो तुम्हारे खुलूस पर किसने उंगली उठाई? आपने। आपने सालार से कहा कि मुझसे मोहतात रहे। हाँ, मैंने कहा, लेकिन देखिए डैड, मुझे नहीं मालूम कि आपने उससे ऐसा क्यों कहा, लेकिन लेकिन मुझे बहुत बुरा लगा है डैड। तुम बाप बनने वाले हो। तुम्हारा बच्चा अगर मेरे पास आए और पनाह मांगे और मैं उसके दुश्मन को उसका पता दे दूं, तो क्या तुम अपने बच्चे के मामले में मुझ पर भरोसा करोगे? मैंने सालार के बारे में डैड कब किसी को बताया? वो हैदराबाद से सीधा तुम्हारे घर आया था, छुप के तुम्हारे पास ही रह रहा था। तुमने मुझे हिंट भेजी थी। तो क्या तुम्हें मुखबरी करनी चाहिए थी? ओ, तो आपने डिसाइड कर लिया है कि आप उसके दुश्मन हैं। तुम कहना क्या चाह रहे हो? मैं बाप बनने वाला हूं डैड। अपने बच्चे के इस दुनिया में आने से पहले उसकी हर मूवमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड रखता हूं। मुझे लगा कि हर बाप को उसकी औलाद की मूवमेंट के बारे में पता होना चाहिए, हक है उसका। मुझे तो पता ही नहीं था कि आप उसके दुश्मन हैं। मैंने आपको उसका बाप समझ के तसल्ली देनी चाहिए थी, बताना चाहा था कि आपका बेटा खैरियत से है, अपनी बहन के आंखों से लाड उठवा रहे। मैं डर गया था क्योंकि मैं एक बाप। देखो जुनेद, सलार हमारी मेड के बच्चे के लिए इंग्लिश लर्निंग कोर्स लाया है। हमें बताए बिना, ये कोर्स दिए बिना कहाँ चला गया? कुछ पर्सनल प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने गया। अब पर्सनल? आई डोंट नो। आई थिंक यार, ये पूछने के लिए तुमने मुझे यहाँ बुलाया यार? मैं समझा हमारी दोस्ती। ये सब क्या है? कुछ भी, कुछ भी। मतलब तुमने कब से ये छोटे मोटे इश्यूज में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया भाई? भाई, जब से मुझे पता चला है कि विदाउट फोन उसने मुझे मैसेज करके शादी में बुलाया, और मुझे इस बात की गारंटी है कि उन दिनों उसके पास मोबाइल फोन था ही नहीं। यार, उसकी मंगनी हो रही थी, किसके साथ हो रही थी ये मुझे नहीं मालूम,
लेकिन अचानक से कासिम ने एंट्री मार के अंगूठी पहना दी अपनी। वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि जिस लड़की के सारी दुनिया के साथ अफेयर थे, कासिम ने उस लड़की के साथ मंगनी कैसे कर ली? अरे वो लड़की तो खराब थी ना, कोई जवाब है तुम्हारे पास? इंसान प्यार में अंधा होता है, कुछ अच्छा बुरा उसे नजर नहीं आता, शायद इसलिए कर ली होगी। भाई देख समान, बात यह है कि सितारा ने जो कुछ मेरे साथ हैदराबाद में किया, उसके बाद कासिम ने जो किया, फिर इन दोनों की मंगनी हुई, ये सारी चीजें मुझसे डाइजेस्ट नहीं हो रही भाई। हुकुम कर, मैं जाके कासिम को गिरेबान पकड़ के मतलब प्यार में कड़वा खूंट पी लिया। नहीं भाई, इसकी जरूरत नहीं है, बस उसे मिलवा दो, मुबारकबाद तो बनती है। मुबारकबाद? मेरे जाने से पहले एक मुबारकबाद तो बनती है। कुछ करता हूँ। वैसे तुझे एक बात बताऊं सालार, कासिम अपना बच्चा है। Hey, excuse me, waiter. Nice. कलर बहुत अच्छा है इसका। Show me this one. Black. Wow. Wow. Nice color. Nice, बड़ी शॉपिंग हो रही है। तुम यहाँ कैसे हो? मैं ठीक हूँ। वो एक्चुअली यहाँ पे एक स्टोर में हील्स की न्यू कलेक्शन लॉन्च हुई है, तो मैं बस वो ही देखने आई थी। आ जाओ, आप भी ट्राई कर लो। नहीं, वो डॉक्टर ने मुझे हाई हील्स पहनने से मना किया है। क्यों? मॉम भी कह रही थी कि अर्ली प्रेगनेंसी में हील्स को अवॉइड करना चाहिए। ओह माय गॉश, कांग्रेचुलेशंस, इसमें तो ट्रीट बनती है। रियली? तुम्हें ट्रीट चाहिए? ऑफ कोर्स चाहिए, क्या हम दोस्त नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली पार्टी में जो कुछ भी हुआ तुम्हारे लिए मुझे बहुत बुरा लगा था। मैं तुमसे बात भी करना चाह रही थी, लेकिन फिर आपने सोचा होगा कि रहने दो, क्या फर्क पड़ता है, राइट? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अब हमारी इतनी फ्रैंकनेस नहीं है ना, तो इसलिए मैं कॉल नहीं कर पाई। ठीक कह रही हो, लेकिन अब तो हम फ्रेंड्स बन सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल, इनफैक्ट हम फ्रेंड्स हैं, बस जरा फ्रैंक नहीं है। यस, अब कॉफी? ओह या, शो पोस्ट, अब मैं बाद में चेक करती हूँ। थैंक यू, बाय बाय। चलो या, लेट्स गो। कासिम। जी अम्मी। कहाँ जा रहे हो तुम? आपकी बहू से मिलने। अब इतनी महंगी रिंग ली है तो पहनाना तो पड़ेगा ना। पागल हो गए हो क्या? नजमा भाभी को अगर पता चल गया ना तो कयामत खड़ी कर देंगी वो। उसके कॉलेज में जाके पहनाऊंगा, उसके घर में किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। और अगर किसी को पता चल गया तो क्या? माँ जी आए ना, क्या कुछ चाहिए आपको? अरे नहीं, मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए, बस तो अपने बच्चों की खुशी चाहिए। एक बार सबको ये पता चल जाए कि मैं और सितारा मिलते हैं, फिर सितारा की बेगुनाही भी शौकत मामू को इनकार करने नहीं देगी। तुम्हें लग रहा है कि मंगनी रुकवा कर मुझे और वकार को अलग कर दोगी? कैसा सोच रही हो ना? मैं वकार को किसी भी कीमत पर तुम्हारा होने नहीं दूंगी। वकार मेरा था, हमेशा मेरा रहेगा। इस घर में कभी तो ना कोई तुम्हें बहू तस्लीम करेगा। तुम मेरे इस घर में नहीं रह सकते, समझी? और नहीं कभी तुम्हें वो इज्जत मिलेगी जिसके बारे में तुम सोच के आए हो। मुझे तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई कि तुम हमसे नाराज नहीं हो।
भला आप लोगों से नाराज होके कहाँ जाऊंगी मैं? सलार से भी नाराज मत होना, वो ऐसा नहीं है और तुमसे उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई अंडरस्टैंड, मेरी नानी ने मुझे सब बता दिया। क्या बताया? ये कि सलार को मुझसे नहीं टाइम से इशू है, वो अपना कोई प्रोजेक्ट करना चाह रहा है तो वो ये सब कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने। आई एम ग्लैड सीरियसली कि तुमने हमें समझा, थैंक यू सो मच। नो वरीज। लेकिन डैड पुराना दोस्त है, फोन पर नहीं समझेगा तो? बेटे तुम इंटरनेशनल जानवरों के पीछे जा रहे हो, ये लोकल पालतू जानवरों को छोड़ दो, उनसे पीछा छुड़ाओ अपना, बंद करो ये चीप मेंटालिटी वाले दोस्तों का चैप्टर, डोंट लाइक इट। यही तो मैं भी से समझा रहा हूँ डैड, के जाते हुए तमाम गैर जरूरी दरवाजे इतनी मजबूती से बंद करके जाए कि कोई दोबारा दस्तक ना दे पाए। हमारे डिफरेंसेस अपनी जगह, लेकिन जुनेद पे शक, इसीलिए वो लंच के बगैर ही चला गया। कहा भी था कि मुझे नोट्स दे दो, तुमने दिए ही नहीं। ओ, मैं भूल गई थी। अच्छा खैर, मैं तुम्हें नोट्स दे दूंगी, परेशान ना हो। लेकिन तुम घर आके मेरी हेल्प भी करवा दो। डन है। हेलो हेलो, ये तुम्हारी टेन। क्या हुआ, मुझे देख के खुशी नहीं हुई? नहीं, वो आपके आने से पहले बताते थे मुझे तो क्या होता, क्या तुम मेरे लिए यहाँ खाने का इंतजाम करती? नहीं ना। नहीं, लेकिन फिर भी खैर, कोई काम था क्या आपको? हाँ, वो मंगनी के बाद हम दोनों ठीक से नहीं मिले तो सोचा इसलिए कि मैं। ठीक से तो मंगनी भी नहीं हुई ना। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, इसीलिए मैं ये क्या है? ये जो भी है, पहले आप बताइए कि आपकी तारीफ, आप कौन हैं? ये सना है, मेरी दोस्त, नेबर में रहती है। दोस्त? तो अनऑफिशियली ये हमारी साली साहिबा हुई, राइट? अगर आपको कोई और काम नहीं है तो मैं फिर क्लास अटेंड करने जाऊं। हाँ क्लास क्यों? हाँ वो एग्जाम होने वाले ना, तो रिवीजन चल रहा है। Exams? Come on यार, exams से नहीं क्या फायदा? इससे पहले हमारी शादी हो जाएगी। शादी के बाद तो exams दे सकती हो ना? लेकिन शादी के बाद तो हम लोग इस्लामाबाद शिफ्ट हो जाएंगे। तो मैं exams से रुक जाऊंगी? No way, exams तक मैं तुम्हें यहाँ रुकने नहीं दे सकता, वो भी दादी के पास खास तौर से। मैं अपने घर पे रुक जाऊंगी। कौन सा घर? तुम उस घर की बात कर रही हो जहाँ दो बच्चों के बाप के साथ तुम्हें रुख्सत कर रहे थे। अगर मैं वक्त पे नहीं आता ना तो सब कुछ गड़बड़ हो चुकी होती, और मैं तुम्हारी सेफ्टी के मामले में किसी पर भरोसा नहीं कर सकता हूँ। कासिम, ये यार मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सितारा, मेरे लिए सबसे ज्यादा तुम इम्पोर्टेंट हो। लेकिन वो मुझे। अच्छा ये तो बताएं कि ये क्या है? हाँ ये देखो, ये रिंग क्यों?
तुम्हारी दोस्त कह रही थी ना कि हमारी इंगेजमेंट सही से नहीं हुई, तो अब कर लेते हैं। हाथ दो। मैं बाद में पहन लूंगी। सितारा कम ऑन, क्या हो गया है? मैं अभी पहनाऊंगा। हाथ दो। नहीं। अरे हाँ करने के बाद पीछे क्यों हटना? ये ले हाथ कर। आप हाँ, एक मिनट, एक मिनट। एक्सक्यूज मी। हेलो, इन्हें क्या हुआ? अभी अच्छा लाओ हाथ दो। आप लोग पीजिए ना प्लीज। नहीं बेटा, हमारा पेट तो तुम्हारी सास की शक्ल देख के ही भर गया। क्यों भाई? मेरी भतीजी की शादी की तारीख की खबर मेरे ससुराल वालों से पता चलेगी तो मैं रो भी नहीं। एक दफा शादी हो जाने दो नजमा, जितना रोना होगा सब मिलकर रोएंगे। तो मैं क्या दुश्मन थी इस रिश्ते की जो मुझसे छुपकर तारीख रखी गई? अरे हमारा बस चलता तो खुद से भी चुप कर करते। लेकिन क्या करें, हमें ये अजाब अपने सर से खुद ही उतारना है। जब बोझ ही उतारना था तो मेरे ससुराल में क्यों? सारी जिंदगी की ये गंध बनाना मेरे ही सर आएगी। हाँ भाई, किस पक्की बात हो रही है ये? कौन सा गनबला और कौन किसके सर में डाल रहे हैं, हम भी तो सुने। सलाम अलैकुम खाला भी। वालेकुम अस्सलाम भाई शायदा, हमें तो पता चला कि तुम यहाँ आई भी हो। मैंने कहा चलो हम भी चलते हैं, सबसे मुलाकात हो जाएगी। वो बस हम लोग अभी आए मिठाई देने के लिए। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा किया भाई। चलो सब बैठ के खुश गप्पियां करेंगे आपस में। आपके लिए चाय लाऊं? नहीं बेटा बस रहने दो, तुम तो बिल्कुल भी नहीं चाय लेके आना, बड़ी बदजायका चाय बनाती हो भाई। किरण से बोलो कि दो घूंट चाय ला के मुझे दे दे। वो हाला भी, किरण घर पे, दरअसल सितारा कॉलेज से आएगी ना तो घर की चाबी नहीं थी, मैंने कहा बच्ची इधर उधर खवार होगी तो उसे घर छोड़ाई मैं। अरे तो सितारा का क्या है, वो कासिम के साथ हमारे घर चली जाती। कासिम? अरे हाँ भाई, कासिम की बात कर रही हूँ। कॉलेज के बहाने तो खूब सैर सपाटे घूम घुमाइए हो रहे हैं, तो क्या घर तक नहीं जा सकती वो? क्या बात है, क्यों बुलाया तुमने मुझे यहाँ? बस दो मिनट, ओनली टू मिनट। तुम्हारे दो दो मिनट करते करते मेरे 15 मिनट जाया हो चुके हैं भाई, मेरे पास ना टाइम नहीं है, मैं तो चला। अरे वेट कर ले, बस आने वाला होगा। कौन? वो आ गया, मैं बाइक लॉक करके आता हूँ, अभी आया, अभी आया। ये यहाँ क्या कर रहा है? हाँ भाई, एंगेजमेंट की मुबारकबाद दूं या लेफ्ट ओवर पहने की कंडोलेंसेस? एंगेजमेंट की मुबारकबाद दे दो, चलेगा। अच्छा वैसे एक बात बताओ, ऐसी क्या मजबूरी आ गई थी कि तुम्हें अपने मेयार से नीचे गिरना पड़ा, अपने कॉल से मुकरना पड़ा? ना ही मैं अपने मेयार से गिरा हूं, ना ही मैं अपने कॉल से मुकरा हूं। कोई मेरी मोहब्बत थी, है, और मैं अपनी मोहब्बत से शादी करने जा रहा हूँ। बस
एक ऐसी लड़की जिसके कैरेक्टर पर तुम दूसरों को बातें सुना रहे थे। कमाल है यार। वैसे एक बात बताओ, उसे अपनाने की वजह क्या थी? आप? मैं? हाँ, आपका उससे कोई ताल्लुक था? मेरा नहीं। आप कोई कैजुअल अफेयर? नो, नॉट एट ऑल। तो बस बात रह गई उस रात की। उस रात निम्मी ने तुम्हारे नाम से मैसेज किया था। वो बिचारी तो तुम्हें झगड़े के डर से बचाने के लिए आ गई। लेकिन सितारा ने मुझे क्यों नहीं बताया कि सलमान की बहन ने ये हरकत की है? उसको पता नहीं। उससे पता है? किसी को कुछ नहीं पता। तुम्हें पता है? हाँ, मेरे लिए सिर्फ मुझे पता होना काफी है कि उस रात निम्मी ने मैसेज करके फंसाया था। उसका तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है। और वो बदनाम हो गई? हाँ, तुम्हारे नाम से बदनाम हुई है ना? मेरे नाम से? आपसे पहले वो खानदान की सबसे शरीफ लड़की थी। जब से आप उसकी जिंदगी में आए तो बेचारी की शोहरत के डंके पूरे खानदान में बजने लगे। लेकिन सच क्या है, ये बात उसे मुझे बतानी चाहिए थी ना? भाई मुझे नहीं पता कि आपने मुझे यहाँ किस लिए बुलाया है, लेकिन जब बुला ही लिया है तो थैंक यू सो मच। किस बात के लिए थैंक यू? अगर आप उस रात ऐसे रिएक्ट नहीं करते ना, तो उसकी इतनी बदनामी नहीं होती। मेरी और उसकी शादी के लिए कभी उसके घर वाले नहीं मान गए। अब मान गए? लड़की और उसके घर वालों के पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाता। और मुझ जैसा लड़का मिल जाना कमाल की बात है। अब तो उसके घर वाले सर झुकाकर अपनी बेटी दे रहे हैं और वो सर झुकाकर आ चलता हूँ। अल्लाह हाफिज़। Listen buddy, ये मेरा personal मामला है, ठीक है? So stay out of it, okay? ये हमारा personal मामला है। अच्छा? चलो ठीक है यार, तुम्हारा personal मामला है। खुश? Happy now? Now I'm talking to him. हाँ? क्या कर रही हो तुम? मैं? Hello. तुम होते कौन हो ये पूछने वाले हमसे? Listen buddy, मुझे लग रहा है तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही। I said stay out of this. मसला क्या है? तुम हो कौन? तुम्हारा क्या मसला है? कह रहे ना पर्सनल है, जाओ यहाँ से। अगर आप उस रात ऐसे रिएक्ट नहीं करते ना, तो उसकी इतनी बदनामी नहीं होती। लड़की और उसके घर वालों के पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाता। और मुझ जैसा लड़का मिल जाना कमाल की बात है। अब तो उसके घर वाले सर झुकाकर अपनी बेटी दे रहे हैं और वो सर झुकाकर आ रहे हैं। इसे कहते हैं 100 सुनार की 1 लोहार की। क्या बात है, क्या करके आए हो जो इतना मुस्कुरा रहे हो? आज मैं अपनी छोटी सी गाड़ी से बड़ी गाड़ी को पिछाड़ कर आ रहा हूँ। खाना लग गया? आ जाओ जी। आ जाओ। किरण, खाने में कुछ है? कासिम ने खाना नहीं खिलाया? कासिम ने? इतना कुछ करके भी तुम्हारा दिल नहीं भरा?
ये जो चार दिन रह गए हैं इसमें इज्जत से नहीं रहा जाता तुमसे। आपको किसने कहा कि मैं कासिम के साथ थी? ये मत सोचो कि किसने कहा, बल्कि ये सोचो कि मैंने कैसे सुना होगा। क्या हो रहा है, क्या हुआ ताया? मैंने आज तक तुम्हारे मरे हुए बाप की मोहब्बत की वजह से कुछ नहीं कहा। इसका नाजायज फायदा मत उठाओ सितारा। हुआ क्या है, कोई मुझे तो बताए। इससे पहले कि पानी सर से ऊंचा हो जाए इसकी जिम्मेदारी संभाल लो। ये क्या क्या जिम्मेदारी उठाएगा, इस पर तो पहले ही बहुत बोझ है। बच्चा है वो, इतनी बड़ी जिम्मेदारी उस पर डाल रहे हैं, कैसे उठाएगा ये जिम्मेदारी? जहां इतने काम करते हो एक काम और कर लो, अपनी बहन को कॉलेज से लाने ले जाने की जिम्मेदारी उठा लो। जब तक ये इज्जत से रुखसत ना हो जाए। ताया मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं ड्राइवरी भी करना शुरू कर दूं। टाइम तो निकालना पड़ेगा जोहेब, वरना ये हमारी इज्जत का जनाजा निकाल देगी। जब रंग जागते हैं तो जागती है, जब दिल में हो मोहब्बत तकदीर जागती है, टूटेगा जब इरादा मंजिल कहाँ मिलेगी, ये जिंदगी हमारी दामन वहाँ मिलेगी। चलो मैडम खाना दे दूं तुम्हें। सुना नहीं तुमने, कह के गए कि मैं खा कर आई हूं।